हे गाइस, वेलकम टू झारखंड गुरुजी। मैं नीतीश आज फिर से आप लोगों के लिए कुछ कंटेंट लेकर आ चुका हूँ। आज का जो अपना कंटेंट है वो सहायक विचार के रिजल्ट से है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों का ये जो जजमेंट है ना सुप्रीम कोर्ट का, वो जजमेंट कब आएगा, कैसे आएगा, किस वक्त आएगा, क्या आप लोगों की ज्वाइनिंग हो पाएगी इस सरकार में, क्या आप लोगों का ये जो सपना है JMM सरकार में जो ज्वाइनिंग लेने का, क्या वो पूरा हो पाएगा या फिर आप लोगों को वर्षों तक इंतजार करना पड़ेगा। तो इन सभी मुद्दों पर मैं बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को कर लें सब्सक्राइब, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे एग्जाम से रिलेटेड जितने भी कंटेंट है ना वो आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहता है। चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप सभी को पता होगा कि आप लोगों का ये जो अभी मामला है ना, एक मामला नहीं बल्कि अगर आप लोग देखोगे तो ये सहायक आचार्य के एग्जाम में ना बहुत सारे मामले हैं, लेकिन हर मामलों में सबसे जो ऊपर जिसका स्थान है वो CTET वर्सेस JTET का मामला है। आप सभी को पता है, आप सभी हर इन चीज़ों से अवगत हैं कि अभी आप लोगों का सहायक आचार्य में जो CTET और JTET का जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, जिसकी सुनवाई ऑलरेडी हो चुकी है। और आपको ये भी पता होगा कि आप लोगों का ये जो जजमेंट है ना उसको रिजर्व रख लिया गया है। तो लोगों का बार बार ये मैसेज आ रहा था, लोग अभी भी कंफ्यूजन में हैं, लोग बार बार इस चीज़ को मैसेज कर रहे हैं, सर हम लोगों का जजमेंट जो है वो आ जाएगा या एक हफ्ते में आएगा या फिर एक महीने में आएगा या एक साल बाद आएगा, कब आएगा, इन सभी के बारे में सर विस्तार से आप बताओ। तो बिल्कुल मैं आप लोगों को विस्तार से ही आज बताऊँगा। सबसे पहली बात, कभी भी जजमेंट जो रहता है ना वो कभी भी 1 वीक में नहीं आता है। अगर कोई चैनल आपको बता रहे हैं या फिर अगर आपको कहीं से मालूम है तो इन सभी चीज़ों को ना आप एक बार चेक कर लो, क्योंकि मैं जो भी चीज़ें आपको बोलता हूँ वो जब तक ऑथेंटिक नहीं होता है मैं कभी भी आप लोगों से शेयर नहीं करता। तो सबसे पहली बात कि ये जो मुद्दा है ना आप लोगों का जजमेंट का कि कब आएगा आप लोगों का जजमेंट, तो आप लोगों की जो जजमेंट है ना वो अक्टूबर में आएगी। अक्टूबर में कब, तो अक्टूबर में मिड अक्टूबर में आने की पूर्ण संभावना आप लोगों की है। क्योंकि देखिए आपको ये भी पता होगा कि ये जो सहायक आचार्य का जो एग्ज़ाम है ना उसका एग्ज़ाम कब हुए बहुत लंबा समय गुजर चुका है और रिजल्ट पे आप लोगों का स्टे लगा हुआ है। और स्टे का मतलब ये होता है कि सरकार चाहकर भी ना रिजल्ट को नहीं डिक्लेयर कर सकती है। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप लोगों का ये जो जजमेंट है ना वो अभी दिल्ली दूर है। अगर मैं एक लाइन में बोलूं तो इसकी पूर्ण संभावना है कि वो अक्टूबर में ही आएगी। इसकी 5% अगर भी अगर आप बात करोगे ना तो मैं यही कहूंगा कि 5% भी उम्मीद नहीं है कि वो सितंबर में आएगी। आपको ये भी पता होगा कि अभी जो एक्साइज कॉन्स्टेबल की जो रनिंग हो रही है झारखंड में उसकी ऑलरेडी केस चल रही है झारखंड ये सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट में ये जो केस चल रही है उसकी सुनवाई भी ऑलरेडी 13 अगस्त के आसपास जो है उसकी सुनवाई भी हो चुकी है, जो कि जजमेंट को रिजर्व रख लिया गया है। और अगर अभी तक आप देखोगे ना तो अभी तक उसका कोई भी जजमेंट ना नहीं आया हुआ है। तो कुल मिला के मैं इस मुद्दे को इसलिए यहाँ पर लेकर आया, मैं इस चीज़ों को इसलिए यहाँ पे आप लोगों को बता रहा हूँ ताकि आप एक चीज़ों को समझ सकें, ठीक है। ताकि आपको ये समझ में आएगा कि कोई भी जो जजमेंट होता है ना वो 1 मंथ से पहले कभी भी नहीं आता है। 90% जो जजमेंट होता है वो हमेशा से 1 महीने के बाद ही आता है। अगर आप DA BA DLED का देखोगे, अगर आप NIOS का केस देखोगे, हर एक केस में ना जो जजमेंट है वो मिनिमम 1 मंथ होता है, और अगर मैक्सिमम की अगर आप बात करोगे ना तो 5-6 मंथ भी हो जाता है। तो मेरे ये कहने का मतलब नहीं है कि इतना लेट होगा, मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर ये 20 दिन भी अगर डिले होता है ना तो आप लोगों का ये जो ज्वाइनिंग है उसके होने की पूर्ण संभावना बिल्कुल भी नहीं है। मतलब अगर आप 1% भी उम्मीद कर रहे हो कि मेरी ज्वाइनिंग हो जाएगी सहायक शहर के एग्ज़ाम में, तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। आप लोगों को शायद ये भी पता होगा कि अभी जो है ना आप लोगों का यह झारखंड में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, और आप लोगों का विधानसभा के लिए जो आचार संहिता लागू होना होता है ना वो पहले ही लागू हो जाता है। और आप लोगों की ये जो आचार संहिता लागू होने की जो तिथि है वो आप लोगों का पहले से ही तय है कि वो अक्टूबर में ही लगने वाला है, ठीक है। और अगर आप मुझसे पूछोगे कि ये जो आचार संहिता कब लागू होगी, तो मैं ये कहूँगा कि आप लोगों का ये जो 10 तारीख से 20 तारीख अक्टूबर है ना इसी के बीच में आप लोगों का लागू हो जाएगी। और दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो अक्टूबर में इतने फेस्टिवल हैं कि अगर आप देखोगे तो आपको भी ये आइडिया होगा
कि जब भी आप लोग ये जो गवर्नमेंट की जो हॉलीडे होती है ना, वो दुर्गा पूजा से लेकर डायरेक्ट छठ तक का होती है। तो मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि ये इतना दुर्गा पूजा से लेकर ये जो छठ तक का ये जो लंबा हॉलीडे है ये गलत है। मेरे कहने का मतलब ये है कि हर कुछ छुट्टी होता है, जितने भी ऑफिस हैं वो सभी छुट्टी में चले जाते हैं, तो कोई भी काम जो होता है ना वो प्रॉपर तरीके से नहीं होता है। चाहे आप हाई कोर्ट की बात करो, चाहे आप सुप्रीम कोर्ट की बात करो, चाहे जो भी ऑफिस की बात करो, हर कुछ में हॉलीडे होता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि उन सभी को काउंट नहीं किया जाता है, और वो जितने भी हॉलीडे में होता है वो कभी भी जजमेंट नहीं आता है। तो आपको ये भी पता होगा कि ये जो दुर्गा पूजा की स्टार्टिंग है ना, वो 3-4 अक्टूबर से ही स्टार्ट है। तो मैं इन सब चीज़ों को समझता हूँ कि आप लोग जो है वो समझदार हैं और इन सभी चीज़ों को समझते हैं। मेरा अगर आप वन लाइन में अगर मुझसे पूछो कि क्या सर ज्वाइनिंग हो पाएगा, हम लोग का रिजल्ट हो पाएगा, तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा आप लोगों का। ना तो आप लोगों का ज्वाइनिंग हो पाएगा, ना तो आपका डीबी हो पाएगा, ना तो आप लोग का जजमेंट आ पाएगा। ठीक है, जजमेंट का मैंने पहले ही बता दिया है कि जजमेंट जो है ना वो आपका अक्टूबर में आएगी, और अगर जजमेंट आ भी जाती है ना तो आप लोगों का कुछ भी आचार संहिता में नहीं हो सकता है। आचार संहिता में ये चीज़ें तो हो सकता है कि डीबी हो जाए, लेकिन डीबी भी होने की पूर्ण संभावना बिल्कुल नहीं है। ये आप मत सोचो कि ये यहाँ पे लोकसभा के चुनाव में अगर एग्जाम पॉसिबल है तो राज्यसभा का ये जो विधानसभा का ये चुनाव है तो इसमें क्यों नहीं हो सकता है। इसमें बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि आपका जो सरकार है ना, आपका जो मुख्यमंत्री है वो ऑलरेडी नहीं है। तो इस केस में ये होने की बिल्कुल ही उम्मीद अगर आप लोग रख रहे हैं तो उम्मीद बिल्कुल ना रख सकते हैं। दूसरी बात, लोगों का ये भी सवाल था कि सर जब सचिवालय का एग्जाम हो सकता है, सचिवालय का डीबी हो सकता है, ज्वाइनिंग हो सकता है, तो हम लोगों का क्यों नहीं हो सकता है। बिल्कुल आपका भी जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल जेन्युइन है, लेकिन आप ये लिख कर ले लो कि ये जो सीजीएल का जो एग्जाम है ना वो बस एग्जाम ही कंडक्ट हो पाएगा, ना ही इसका डीबी हो पाएगा, ना ही इसका रिजल्ट हो पाएगा, ना ही इसका ज्वाइनिंग हो पाएगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा। दूसरी तरफ आपको ये भी नज़र आ रहा होगा कि ये जो नगर पालिका का एग्ज़ाम है, चाहे वो जेपीएससी मेंस का एग्ज़ाम है, किसी का भी जो एग्ज़ाम है ना, ये दोनों का रिजल्ट जो है वो रुका हुआ है, जबकि उनमें कोई भी प्रॉब्लम किसी भी प्रकार का अभी तक देखा नहीं गया है। तो ये सब जो चीज़ों को अगर आप अच्छे से देखोगे ना, तो मुझे जितनी भी नियुक्तियाँ हैं सब कुछ अटकी हुई दिख रही है। और मैं इन सब चीज़ों को समझता हूँ कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है, क्या सिस्टम जिम्मेदार है, क्या चीज़ें हैं, इन सभी चीज़ों से आप बिल्कुल अवगत होंगे और आपको भली भांति इन सब चीज़ों से परिचित भी होंगे कि इसके जिम्मेदार कौन है। क्या नियमावली बनने में अगर इतना वक्त नहीं लगा होता तो क्या बिल्कुल ज्वाइनिंग नहीं हो पाता। बहुत सारे प्रश्न हैं स्टूडेंट्स के मन में, तो इन सभी प्रश्नों का जो है ना, अगर आप खुद से ही इस खोजने की कोशिश करोगे तो आपको खुद में ही मिल जाएगा कि इसका जवाब क्या है। तो मैं इन सभी मुद्दों पर अभी भटकाना नहीं चाहता हूँ। दूसरी तरफ लोगों का ये भी मैसेज आ रहा है कि सर क्या जेटेट का अगर सहायक एचआर का अगर नियुक्ति लटका हुआ दिख रहा है तो क्या सर मैं जेटेट की तैयारी कर लूँ, क्या जेटेट हो पाएगा? तो बिल्कुल जेटेट भी नहीं हो पाएगा। अब आप पूछ रहे हो और आप ये सोच रहे हो कि मैं ही सरकार तो नहीं, मैं ही जेएसएससी तो नहीं, मुझे इन सब चीज़ों के बारे में कैसे पता कि एग्ज़ाम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। बिल्कुल जब तक ऑथेंटिक न्यूज़ मेरे पास नहीं आता है मैं कुछ भी आप सब इसके शेयर नहीं करता हूँ। तो मैं इन सब चीज़ों को आप 100% आप लिख कर ले लो, या फिर दावे के साथ मैं इन सब चीज़ों को कह सकता हूँ कि आपका जो जेटेट का है ना वो ना तो आपका जो सिलेबस है उसमें संशोधन हो पाएगा, ना ही कुछ हो पाएगा, आपका एग्ज़ाम भी नहीं हो पाएगा। मैं बिल्कुल पहले अपने जो ब्लॉग है या फिर वीडियो है उसमें पहले इस चीज़ों को बोला था कि आपका जो अक्टूबर में है ना वो एग्ज़ाम बिल्कुल कंडक्ट होने की संभावना है, लेकिन अभी मैं खुद ही कह रहा हूँ कि संभावना अब बिल्कुल नहीं है। क्योंकि अगर आप सिचुएशन को देखोगे ना तो आपको इन सब चीज़ों से पता चल पाएगा कि एग्ज़ाम होने की ही संभावना नहीं है। तो कुल मिलाकर अगर आप देखोगे ना तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप सीजीएल का एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप किए हो तो सीजीएल का जो है वो तैयारी करके एग्ज़ाम को दे दें, इसका भी रिजल्ट और ना ही ज्वाइनिंग कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, जो भी चीज़ें होगा वो न्यू गवर्नमेंट में ही होगा, और ये देखने की बात है कि न्यू गवर्नमेंट में बीजेपी आती है, जेएमएम आती है, या कांग्रेस आती है, इतने पार्टी हैं, कोई भी आ सकती है। ठीक है, मैं इन सब चीज़ों से ज़्यादा पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहता हूँ, बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि कुल मिलाकर अगर आप देखोगे ना तो ये 5 सालों में कुछ भी ज्वाइनिंग नहीं हो सका। सारे स्टूडेंट्स जो बेरोजगार थे ना वो आज भी बेरोजगार रह गए। तो कुल मिलाकर ना लोगों का स्टूडेंट्स तो मेहनत बहुत किए, ऐसा नहीं है कि मेहनत नहीं किए,
तो अगर आप सेंट्रल की तैयारी करते हो तो सेंट्रल की तैयारी करें, बाकी अगर आप स्टेट की तैयारी करते हो तो फिर आपको लंबा इंतजार करना यहाँ पे पड़ेगा। मैं बस यही कहूँगा, बाकी आपका जो जजमेंट है ना, वो जजमेंट अभी नहीं आएगा, तो आप लोग टेंशन ना लें। आप लोग झूठ मूठ का इधर लोगों का वीडियो, लोगों से पूछना, इन सब चीज़ों से कुछ भी नहीं होने जाने वाला है, क्योंकि आपको मैं जब तक क्लियर नहीं हो जाता हूँ ना, नहीं बताता हूँ कोई भी चीज़ें। मैं जनरली इन सब चीज़ों पे भी बिलीव करता हूँ कि यूट्यूब में फालतू का कोई भी चीज़ों को कहना ये मुझे उचित नहीं लगता है, और मेरे पास इतना वक्त भी नहीं होता है। मैं ऑफिस से अगर मेरे पास कुछ वक्त बच पाता है ना, तो मैं तभी आप लोगों के समक्ष जो है वो चीज़ों को प्रस्तुत करता हूँ। तो आप इन सभी चीज़ों से अवगत होंगे, ठीक है, मैं समझता हूँ। बाकी आपका जो जजमेंट है वो अक्टूबर में ही आए आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, तो आप अक्टूबर की वेट करें। बाकी ये जो लोग हवा फैला रहे हैं ना, या फिर जो नेगेटिव यहाँ पे मार्केट में फैला रहे हैं कि 1 सप्ताह में आप लोगों का आ जाएगा, सीटेट की जीत हो गई या फिर जेटेट की जीत हो गई, यार जीत और हार यहाँ पे तो है ही नहीं। यहाँ पे तो बस ये है कि जजमेंट किसके तरफ आता है। और मैं इन सब चीज़ों पे बिलीव करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ही सबसे बड़ी है, और सुप्रीम कोर्ट जो है वो किसी के साथ अन्याय नहीं करेगी। जीत तो होगी, ठीक है, और आप लोगों ने इतने मेहनत से एग्ज़ाम दिया है, तो बिल्कुल मैं इस चीज़ को उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों के फेवर में ही जो है वो जजमेंट आए। और जो जिनका एग्ज़ाम अच्छे से गया हुआ है, जो जिनका यहाँ पे सिलेक्शन होना है, उनका ही, जेन्युइन लोगों का ही यहाँ पे सिलेक्शन हो। चलिए ठीक है, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। बाकी अगर आपका कोई भी क्वेरी है, और अगर कोई भी क्वेश्चन है, तो बिल्कुल आप जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी आप जो है अगर मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम में झारखंड गुरुजी आप सर्च कर सकते हो, मैंने अभी न्यू क्रिएट किया हुआ है, आप वहाँ जुड़ सकते हो। आपके कोई भी सवालों का जो जवाब है ना, मैं देने का जहाँ तक कोशिश होता है मैं करता हूँ। चलिए वीडियो को यहीं अंत करते हैं। अगर आपको बुरा लगे तो आप नेगेटिव कमेंट बिल्कुल कर सकते हैं, मैं उन सब चीज़ों पर जो है वो सुधार करने का कोशिश करूँगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हर एक इंसान जो होता है ना, वो प्रॉपर तरीके से ऊपर से तो नहीं होता है, लोगों से ही सीखने को मिलता है। मैं भी आप सब से सीखना चाहता हूँ, और अगर मेरे में कुछ ज्ञान है तो मैं उन सभी को आप सभी से शेयर करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच।